जय हिंद फ्यूचर ओपन डोर, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में एक शानदार पेनी स्टॉक जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है ड्यूकन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज कंपनी, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बहुत से लोगों के इसके बारे में सलाह मशवरा था कि इसके बारे में वीडियो बनाए, तो ये प्रॉपर वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताऊँगा कि जो छोटा सा पेनी स्टॉक है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना लंबी अवधि के नजरिया से सही रहेगा या नहीं। देखिए, ड्यूकन इंफ्रा टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, आईटी सेक्टर में अपना बिजनेस करती है। 2009 में कंपनी बनी थी। 2009 के बाद कंपनी ने अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, लेकिन पिछले 6-7 माह से इसके जो अच्छे रिटर्न है वो अब काफ़ी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसलिए लोगों को इसके बारे में चिंता हो रही है, जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट किए हैं। हालांकि कोई भी स्टॉक का जब प्राइस नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी भी देता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है भी कि नहीं। और खासकर ये सवाल तब ज़्यादा गहरा हो जाता है जब वो कंपनी पेनी स्टॉक हो। देखिए, पेनी स्टॉक यदि मार्केट कैप लिहाज से देखेंगे तो ड्यूकन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज़ का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 273 करोड़ रुपये है। यानी कि 273 करोड़ रुपये जिस कंपनी का मार्केट कैप है, वो पेनी स्टॉक नहीं हो सकता है। इसको हम लोग स्मॉल कैप कंपनी की श्रेणी में रखते हैं। हाँ, इसका जो शेयर प्राइस है तकरीबन 10-10.5 रुपये के आसपास है, तो शेयर प्राइस के लिहाज से कंपनी पेनी स्टॉक लोगों को लग रहा होगा। लेकिन हालांकि जिस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा कम होता है, उन लोग उसको पेनी स्टॉक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई कंपनी पेनी स्टॉक है या लार्ज कैप स्टॉक है, ये डिपेंड करता है उस कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। तो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है 273 करोड़, ये एक स्मॉल कैप कंपनी की श्रेणी में आती है। यदि इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 माह में देखेंगे तो तकरीबन 44% यह स्टॉक टूट चुका है। वहीं पिछले 1 माह में भी यह स्टॉक लगभग 5.5% के आसपास टूटा है। सिर्फ 1 माह की बात करें तो 1 माह में यह स्टॉक तकरीबन 6.5% से ज़्यादा टूट चुका है। गिरावट के पीछे तमाम वजह हो सकती है। जैसे हाल फिलहाल के दिनों की बात करें तो जैसे मार्केट डाउन जा रहा है, कोरोना आ रहा है, इसकी वजह से मार्केट में भूचाल मचा हुआ है, तो सभी स्टॉक निगेटिव में जा रहे हैं। तो ये तो एक छोटी सी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है इसके शेयर प्राइस में भी गिरावट आएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पिछले 6-7 महीने से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है, तो पिछले 6-7 महीने से तो कोरोना नहीं आया था, पिछले 6-7 माह में बाजार ऊपर भी गया है, लेकिन इस स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली है। इसके पीछे की वजह यह है कि कंपनी के फंडामेंटल धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। हालांकि फंडामेंटल में देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से देखें तो कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बल्कि कंपनी की कमाई तो हो ही रही है, कमाई कंपनी की बढ़ भी रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि कंपनी जितना कमाती है तकरीबन उतना ही इस कंपनी का खर्च भी है, क्योंकि एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है और आईटी सेक्टर में खर्चा ज़्यादा लगता है। तो यही वजह है, कंपनी जितना कमा रही है उतना इसका खर्चा हो जा रहा है। और उसके अलावा देखेंगे तो कंपनी का कर्जा भी पिछले कुछ समय में बढ़ा है। पिछले साल की बात करें मार्च के आसपास, तो जहाँ इसका ऊपर तकरीबन 82 करोड़ रुपये के कर्ज थे, वो अभी सितंबर क्वार्टर में इस साल बढ़कर तकरीबन 92 करोड़ रुपये हो गए हैं। यानी कि कर्जा बढ़ा है, कंपनी की कमाई बढ़ी है, लेकिन जो कंपनी के खर्च हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। और इसके अलावा कंपनी का कर्जा बढ़ते जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। और प्रॉफिट नहीं बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए ये थोड़ा सा हानिकारक होता है। ये भी एक फैक्टर है, ये एक बड़ा फैक्टर है इस कंपनी के शेयर प्राइस को नीचे जाने के लिए, शेयर प्राइस में तेज़ी नहीं आने के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए फंडामेंटल इसका इतना भी वीक नहीं है कि इसके बारे में विचार नहीं किया सकता है। फंडामेंटल इसके मार्केट के लिहाज से काफ़ी ठीक है, मतलब ओके ओके है। इस कंपनी का यदि आप बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू है तकरीबन 6 रुपये के आसपास, और शेयर प्राइस अभी इसके बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको ROCE कहते हैं, वो तकरीबन 8% के आसपास है, और ROE वो तकरीबन 3% के आसपास है। यानी कि ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो मेन चीज़ होना चाहिए पॉजिटिव में है और बढ़िया है। इसके अलावा एक बात ये भी है कि कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी तकरीबन 75% के आसपास है। 75% एक पेनी स्टॉक में जिसको आप कहते हैं उसमें किसी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी हो तो काफ़ी बढ़िया होता है। पब्लिक की हिस्सेदारी भी तकरीबन इसमें 25-26% के आसपास है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मेरे तरफ से जो सलाह रहेगा वो ये रहेगा कि ड्यूकन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज कंपनी में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखिए शेयर बाज़ार में ही यदि बात करें इन्वेस्टमेंट करने की, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ता है। रिस्क लेना चाहते हैं तो एक छोटी कंपनी, एक छोटा सा रिस्क इसमें ले सकते हैं। बहुत कम अमाउंट लगाकर यदि आप लंबी अवधि की सोच रखते हैं तो इसमें लगाकर रख सकते हैं। आने वाले समय में शेयर प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको मुनाफा होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बारे में जो जानकारी आप चाहते थे आपको मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या कन्फ्यूजन है तो उस कमेंट में जरूर पूछिए, या आप मुझे पर्सनली जुड़कर बातें करना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।